जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 3.6 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 के कुछ प्रश्न किए थे, जिसमें हमने मूलों की प्रकृति के आधारित प्रकृति पर आधारित प्रश्नों को हल किया था और के मान ज्ञात किए थे। यहाँ हम इस क्लास में हम बीजी बीजकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 के प्रश्न हल करेंगे हम एलसीएम व एचसीएफ। पिछली क्लास या यूँ कह दो हम प्रश्नावली दो में हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए थे। आपको याद होना चाहिए हमें एचसीएफ ज्ञात किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किसे ज्ञात किया था हमने? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ ज्ञात किया था। और हमने एलसीएम व एचसीएफ दोनों ही ज्ञात किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो वहां हमने क्या किया था, आपको याद होना चाहिए। क्या किया था हमने? एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहां पर? अभाज्य गुणनखंड विधि में। वही विधि यहां काम आने वाली है। अभाज्य गुणनखंड विधि वहां तो हम केवल गुणांकों के लिए काम में ली थी, हमने गुणांकों के लिए काम में ली, या यूं कह दो संख्याओं के लिए काम में ली थी। अब यहां हमें संख्याओं के साथ साथ बीजीय पद भी दे रखे हैं, जिसमें एक्स वाई जेड आते हैं, ए बी सी आते हैं, वो बीजीय पद भी हमें दे रखे हैं, उनका एलसीएम ज्ञात करना। तो बीजीय व्यंजकों के एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका वही है जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि में पढ़ा था। क्या तरीका पढ़ा था हमने वहां पर? हमने पढ़ा था कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम कॉमन, इंग्लिश शब्द है कॉमन और हिंदी शब्द है सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड की उच्चतम घात, कॉमन की उच्चतम घात इंटू शेष पद, इंटू शेष पद। ये तो हम करते थे संख्याओं के लिए, और यहां पर भी हमें बीजी व्यंजकों में या संख्या भी होगी या कह दो गुणांक भी होंगे और बीजी पद भी होंगे। दोनों में यही करना हमें, जो भी सार्वगुणनखंड हो उसकी उच्चतम घात इंटू शेष पद गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा वो गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा। ठीक इसी प्रकार एचसीएफ के लिए कॉमन, जो भी कॉमन दे रखा आपको, कॉमन आ रहा है कॉमन की न्यूनतम घात, छोटी से छोटी घात जो कॉमन पद आ रहे हैं उसकी न्यूनतम घात, चाहे संख्याओं के लिए हो या बीजीय पदों के लिए हो, वही पद इन सब का जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल ही क्या रहेगा? एचसीएफ होगा। दोबारा समझ लीजिए आप, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने की विधि वही है जो हमने प्रश्नावली दो में अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी। वहां पर केवल पूर्णांक ही थे, गुणांक ही थे, यहां पर गुणांक के साथ साथ बीजीय पद भी है, एक्स वाई जेड ए बी सी के पद भी है। तो हमें पूर्णांकों का एलसीएम, तो वही पुराना तरीका है कॉमन पद की उच्चतम घात इंटू शेष पद। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बीजी पदों में भी वही करना है, कॉमन की उच्चतम घात इंटू शेष पद करेंगे, गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और कॉमन की न्यूनतम घात लेंगे, शेष पद नहीं लेने, केवल कॉमन घात ही लेंगे, कॉमन पद ही लेने उसकी न्यूनतम घात लेंगे और जो आएगा वही इसका गुणनफल होगा, वही क्या कहलाएगा? इसका एचसीएफ कहलाएगा। अब आपको यहाँ कुछ समझ में आया होगा, अच्छी तरह समझ में आपको जब हम प्रश्नों को हल करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित व्यंजकों के लघुतम समापवर्तक में एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? लघुतम एलसीएम ज्ञात करना।
एलसीएम ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको कितने प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो हम हल करते हैं पहले का पहला प्रश्न। पहले का पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपको, प्रश्न दे रखा 24x2yz और 27x4y2z2। ये आपको प्रश्न दे रखा है, बीजी व्यंजक दे रखे हैं। आपको इसके क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब आपको चाहे एलसीएम ज्ञात करना हो या एचसीएफ ज्ञात करना हो, आपको दिए गए जो बीजी व्यंजक है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे मान लें पहला बीजी व्यंजक दे रखा है आपको 24x2y एंड z। अब यहाँ पर हमें बीजीय पदों के तो गुणनखंड ही दे रखे हैं, गुणा के रूप में ही दे रखे हैं, घात के रूप में ही दे रखे हैं। यहाँ हमें पूर्णांक जो है गुणनखंड के रूप में नहीं है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ इसके गुणनखंड लिख सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अलग से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 24 का अभाज्य क्या होगा, 2 का भाग दिया मैंने तो 12, 2 का फिर भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, यहाँ लिख सकते हैं आप 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 3। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घात क्या हो गया, 3। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 3। ये तो गया अभाज्य गुणनखंड इंटू, आपको ये जो बीजी पद दे रखे ये गुणा के रूप में लिख सकते हैं आप चाहें तो, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। समझ में आया होगा आपको, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में सबसे पहले मैंने पूर्णांक या दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उस अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया। अब दिए गए जो बीजी व्यंजक है उनको भी गुणा के रूप में लिख दिया। ऐसा ही हम दूसरे पद के लिए करेंगे। दूसरा पद क्या है, 27x4y2z2 = अब हम यहाँ पर 27 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 27 में भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, तो 27 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 की घात 3। तो यहाँ लिखूंगा मैं अभाज्य गुणनखंड को, तो मैं प्रयास करूंगा लिखते समय कि समान संख्या एक दूसरे के नीचे आए। तो यहाँ इस गुणनखंड में केवल 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो मैं 2 की जगह छोड़ देता हूँ और 3 के नीचे लिख देता हूँ 3 की पावर 3 इंटू x की पावर 4 इंटू y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ये कर दिया हमें अभाज्य गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करना है LCM, लघुतम समापवर्तक। और लघुतम समापवर्तक के लिए मैंने क्या बताया भी आपको, कॉमन की उच्चतम घात। तो यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, देखो आप कॉमन आ रहा है यहाँ 3, कॉमन कौन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन की बड़ी घात कौन सी है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 3 है, तो बड़ी घात हुई 3 की घात 3। तो कॉमन की बड़ी घात इंटू शेष पद, ये वाला पद बच गया ना, ये भी गुणा में आएगा, 2 की घात 3 इंटू, ये तो हो गई संख्याओं का, पूर्णांकों का, गुणांकों का। अब हम करेंगे किसके, बीजी व्यंजकों का। तो बीजी व्यंजक देखो आप, x भी कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और x की बड़ी घात कौन सी है, 4। तो यह आएगी x की पावर 4 इंटू, y भी कॉमन आ रहा है और y की बड़ी घात क्या है, 2, y स्क्वायर इंटू, z भी कॉमन आ रहा है, बड़ी घात 2, z स्क्वायर। गुणा कर दो इनको, 3 की घात 3, ये देखो 3 की घात 3 क्या होता है, 27। 3 को 3 बार गुणा किया 27, 2 को 3 बार गुणा किया 8, इंटू x की पावर 4 x y स्क्वायर z स्क्वायर। 27 को 8 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, देखो 8 का गुणा करते हैं 7 से, 8 और 7 56, असल के 5, 8 दूनी 16 और 5 21, तो 216 x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको, जो भी संख्या दे रखी, जो पद दे रखे, पहला पद लिख दिया, पहले मैंने क्या किया, संख्याओं का पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर बीजी व्यंजकों किया। इसी प्रकार दूसरे पद में किया, एलसीएम कॉमन की उच्चतम घात इंटू शेष पद, दोनों में से देख लिया कॉमन आ रहा था और ये गुणा कर दिया, यही इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट का सेकंड क्या प्रश्न है? पहला, ये बीजीय व्यंजक बहुपद के रूप में है, इसलिए आप चाहें तो बहुपद px नाम दे सकते हैं इसको। तो पहला दे रखा px इज इक्वल टू दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पहले का ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं, क्योंकि एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। पूर्णांक होते हैं तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, और बीजीय व्यंजकों के भी गुणनखंड करेंगे। तो ये त्रिपदीय गुणनखंड है, तीन पद है, द्विघात है, तो त्रिपदीय गुणनखंड, और ऐसे गुणनखंड हमने इस प्रश्नावली में आगे बहुत प्रश्नों के किए। क्या करना है, यहाँ एक का मान वन, एक का मान क्या है वन, बी का मान थ्री, सी का मान टू, ए का गुणा सी के करेंगे, वन का गुणा टू से करेंगे तो टू आएगा। तीन के दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो तीन आए, गुणा करने पर दो आए, तो यही करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस तीन के दो टुकड़े हो गए टू प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, दो को एक से जोड़ेंगे तीन, और दो का एक से गुणा किया तो दो। हल करें आगे, एक्स स्क्वायर कोष्ट खोल रहे हैं माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, कोष्ट खोला इसलिए अंदर का स्थान बदल रहे हैं। एक्स कॉमन, यहाँ एक्स कॉमन लिया पीछे बच गया एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन एक्स माइनस टू, दोनों में से फिर एक्स माइनस टू कॉमन, और ये बच गया एक्स माइनस वन। तो ये हो गया पहला, जो भी हमें बहुपद दे रखा था उसके गुणनखंड कर दिए। अब सेकंड बहुपद को मैं लिख देता हूँ क्यू एक्स से, क्यू एक्स लिख दो इसको, बहुपद को जो दे रखा आपको, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। देखिए आप इस बहुपद की उच्चतम घात क्या है, चार, और हमने गुणनखंड अभी तक क्या किए, दो घात वाले पद के गुणनखंड किए। तो देखो यहाँ इन तीनों पदों में से कुछ कॉमन आता है क्या, तो आप देखेंगे x का पद तीनों में आ रहा है और कॉमन आती है छोटी घात, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, x की पावर फोर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया माइनस सिक्स। कॉमन लेते हैं तो घातें घटती है, तो चार में से दो घटी, दो पीछे बच गई, तीन में से दो घटी, एक पीछे बच गई, दो में से दो घटी तो जीरो बच गई, जीरो एक्स की पावर जीरो क्या होता है वन। अब हम अंदर वाले पद के करेंगे गुणनखंड, बाहर वाला पद तो ऐसे ही साथ चलेगा। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाहर है, अंदर के पद के गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ क्या आ रहा देखो, वन, वन के दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर छः आ जाए, जोड़ने या घटाने पर वन आ जाए। तो हम जानते हैं तीन और दो का गुणा होता है छः, और तीन में से दो घटाते हैं तो आता है वन, इसलिए यहाँ वन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, थ्री माइनस टू, देन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाहर। अब कोष्ट खोलेंगे अंदर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन का गुणा एक्स से होगा तीन एक्स माइनस दो एक्स माइनस छ बराबर एक्स स्क्वायर, कॉमन आएगा एक्स, दोनों में से एक्स कॉमन आया, पीछे बच गया एक्स प्लस थ्री माइनस टू कॉमन आ गया एक्स प्लस थ्री, फिर दोनों में से एक्स स्क्वायर बार है ही है, अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन आया एक्स प्लस थ्री और पीछे बचा एक्स माइनस टू। ये हो गए दूसरे बहुपद की भी गुणनखंड, हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों गुणनखंडों को, दोनों बहुपदों के गुणनखंडों को साथ लिखते हैं। तो पहला बहुपद को लिखता हूँ मैं वापस, पहला बहुपद पी एक्स क्या है, वो है एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन, देखो ये रहा पी एक्स गुणनखंड यहाँ से। दूसरा क्यू एक्स, उसको भी लिखो यहाँ नीचे, तो क्यू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, ये अलग है इसका पद, और यहाँ देखो समान पदों को साथ लिखेंगे तो एक्स माइनस टू यहाँ आ रहा है इसलिए एक्स माइनस टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एक्स प्लस थ्री नहीं आ रहा है इसको यहाँ लिख देता हूँ एक्स प्लस थ्री। देखिए मैंने क्यू एक्स गुणनखंड को व्यवस्थित लिखने का प्रयास किया है, व्यवस्थित में एक्स स्क्वायर
पी एक्स में नहीं आ रहा है इसको अलग लिख दिया, और x माइनस टू दोनों में आ रहा है तो x माइनस टू के नीचे लिख दिया x माइनस टू, x माइनस वन नहीं आ रहा है तो खाली छोड़ दिया, x प्लस थ्री आ रहा है वो यहाँ लिख दिया। अब हमें इनका क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम लिखेंगे हम यहाँ पर, तो एलसीएम क्या आएगा, अब एलसीएम देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो हमें सोचना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ कॉमन आ रहा है यहाँ दोनों में x माइनस टू, कौन कॉमन आ रहा है x माइनस टू, तो एलसीएम x माइनस टू तो आएगा, x माइनस टू कॉमन आ रहा है एक बार आएगा, इसकी बड़ी घात लेते हैं पर दोनों घात बराबर है इसलिए बड़ी वही है वन। अब बचे हुए सारे पद, तो ये पद भी बच रहा है, ये पद भी बच रहा है और ये पद भी बच रहा है, तो तीन आएगा। सबसे पहले हम गुणा करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा पद कौन गुणा में आएगा एक्स माइनस वन, फिर तीसरा पद क्या आएगा एक्स प्लस थ्री। वापस लिखते हैं व्यवस्थित, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको क्या करना हमें, जब भी हमें बहुपद दे रखे हो, बीजी व्यंजक दे रखे हो, तो पहले उनको आप विधि से गुणनखंड करो। गुणनखंड विधि से गुणनखंड किया मैंने, तो पहले बहुपद का ही गुणनखंड आ गया, फिर दूसरे बहुपद को लिया, पहले कॉमन लिया फिर गुणनखंड किया तो दूसरा बहुपद ये आ गया, फिर मैंने दोनों बहुपदों को एक साथ लिख दिया गुणनखंड के रूप में। लिखते समय मैंने ये ध्यान रखा है कि समान पदों को नीचे लिखें, एक दूसरे के नीचे लिखें, तो दोनों में समान पद केवल x माइनस टू था, तो x माइनस टू को मैंने x माइनस टू के नीचे लिखा, बाकी पदों को अलग लिख दिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और एक्स प्लस थ्री को बाद में लिख दिया। अब हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम में पहले कॉमन पद, ये कॉमन पद, बचे सारे पद, एक्स स्क्वायर बच्चा वो भी आ गया, एक्स माइनस वन बच्चा ये भी आ गया, एक्स प्लस थ्री भी आ गया, सबको साथ लिख दिया गुणांक के रूप में, और ये इसका क्या है एलसीएम। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट का थर्ड, थर्ड प्रश्न क्या देखिए आप, दो बहुपद दे रखे हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस एट और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, दो बहुपद हैं आपके सामने। अब दोनों बहुपदों के एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें वही गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहला बहुपद देता हूँ मैं यहाँ पर, पहला बहुपद है पी एक्स, पी एक्स बहुपद क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस एट, इसके भी गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले आप प्रयास करो कि कॉमन आता है क्या, तो दो और आठ में से दो कॉमन आता है तो कॉमन ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब ये एक्स स्क्वायर का पद है, द्विघात बहुपद है, इसको भी गुणनखंड करने का तरीका ढूंढेंगे हम। तो देखिए आप, ये भी पद पूर्ण वर्ग है और ये पद भी पूर्ण वर्ग के बीच में माइनस आ रहा है, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस, चार को भी लिख सकते हैं आप दो का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने सूत्र पढ़ा है, तो वही करेंगे हम, दो पहले आ गया, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो जोड़ेंगे एक्स प्लस दो, घटाएंगे एक्स माइनस दो, तो यह आ गया इसके गुणनखंड पहले पद के। दूसरा पद है क्यू एक्स, दूसरा पद भी लिखते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो वही त्रिपदी गुणनखंड है, पाँच के दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर एक इंटू छः के बराबर आए, तो गुणा करने पर एक इंटू छः के बराबर आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाँच के दो टुकड़े क्या होंगे तीन और दो, तीन और दो को जोड़ेंगे तो पाँच आएगा, गुणा करेंगे तो छः आएगा, इसलिए हम पाँच के स्थान पर लिखेंगे थ्री प्लस टू। तो लिखते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पाँच के स्थान पर आएगा थ्री प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। अब हम कोष्ठक खोलेंगे, तो कोष्ठक खोलने पर क्या आएगा देखिए आप, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, कोष्ठक खोल रहे हैं थ्री एक्स माइनस, कोष्ठक अंदर निशान बदल जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, तो दोनों में से कॉमन लेंगे x कॉमन x माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन x माइनस थ्री बराबर, फिर कॉमन लिया हमने x माइनस,
कॉमन आया दोनों में से x माइनस थ्री और ये बच गया x माइनस टू। तो ये हो गए आपके दूसरे बहुपद के भी गुणनखंड। अब हम दोनों पदों को साथ लिखते हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो पहला बहुपद क्या है पी एक्स, तो मैंने पहले पी एक्स को लिखता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू ये रहा पी एक्स का गुणनखंड टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, कहाँ से लिखा यहाँ से। अब दूसरा बहुपद का गुणनखंड यहाँ है क्यू एक्स इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब इन दोनों को लिखना है, कहाँ लिखना है, लिखते समय में ध्यान रखना है समान पद एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। तो इन दोनों में से कोई समान पद आ रहा है क्या, आ रहा है, कौन सा आ रहा है एक्स माइनस टू। तो ये एक्स माइनस टू यहाँ आएगा, इसके नीचे एक्स माइनस टू। एक्स माइनस थ्री यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको अलग लिखो, इसके पीछे एक्स माइनस थ्री। समझ में आया आपको कैसे लिखते हैं, समान पदों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो समान पद x माइनस टू मिला तो इसके नीचे लिख दिया, x माइनस थ्री यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है तो पीछे लिख दिया। अब हम एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम इज इक्वल टू, अब एलसीएम समान पद कॉमन पद आएगा तो कॉमन पद यहाँ x माइनस टू आ रहा है तो कॉमन पद तो आएगा केवल एक बार, तो ये कॉमन पद है इसलिए कॉमन पद आएगा केवल वन टाइम x माइनस टू। बचे हुए पद भी आएंगे, तो 2 बच रहा है तो 2 भी आएगा, x प्लस टू बचा है तो ये भी आएगा, x माइनस थ्री बचा है तो ये भी आएगा। यही इस प्रश्न का एलसीएम है और आंसर है। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके बताया मैंने आपको, थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न है इसका फर्स्ट का फोर्थ, कौन सा प्रश्न है फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ प्रश्न क्या, देखिए आप यहाँ तीन बहुपद है ए दो और तीन, तीनों को अलग लिखेंगे। तो पहला बहुपद लिखता हूँ मैं पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहीं तक है ये पद। अब इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर है माइनस आ रहा है, वन को भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो गुणनखंड करते हैं। देखो इस प्रकार एक्स को लिखा मैंने स्क्वायर, माइनस वन को भी लिख सकते हैं स्क्वायर, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, x प्लस वन एंड x माइनस वन पी एक्स, ये हो गया इसका गुणनखंड एक का। दूसरा लेते हैं यहाँ से हम, और इसको नाम दूंगा मैं क्यू एक्स। क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और x प्लस वन। अब देखिए इसके गुणनखंड करने का प्रयास करें पर गुणनखंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन है, माइनस आया तो माइनस वाला सूत्र लग गया, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यहाँ प्लस आ रहा है। जब भी इस प्रकार का पद हो, स्क्वायर वाला पद हो, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी पद हो, तो इसका गुणनखंड नहीं होता है, यही रहेगा, ये गुणनखंड ही है। तो दूसरा पद भी गुणा हो रहा है तो दूसरा पद जो क्यू एक्स है इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, हमें यह गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरा पद जिसको मैं नाम दे देता हूँ आर एक्स इज इक्वल टू, ये तीसरा पद आर एक्स नाम दिया इसको, इसको लेते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये भी देखो द्विघात है इसका और तीन पद है। अब हम इसके गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं, गुणनखंड क्या करना है, यह बीच वाला पद है वन, बी का मान क्या है वन, तो यहाँ वन के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर भी क्या है वन, क्योंकि यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, दोनों का गुणा क्या होगा वन। वन के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ दें या घटाने पर वन आए और गुणा करने पर भी वन आए। थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है कि ऐसी कोई दो संख्या नहीं है कि उनको जोड़ने पर एक आए, नहीं है कोई भी, या घटाने पर एक आए और गुणा करने पर क्या है वन, तीनों चीज एक साथ नहीं मिलेगी आपको, जोड़ने पर आ सकता है, घटाने पर आ सकता है, परंतु उनको गुणा करने पर वापस वन नहीं आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है इसका भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, यह आपको गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको यहां पर तीनों बहुपद, पहला पी एक्स, दूसरा क्यू एक्स और तीसरा आर एक्स, इनके गुणनखंड आपके सामने है। अब हमें क्या लिखना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस में तीनों पदों को एक साथ लिखूंगा। पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन पी एक्स, देखिए सॉरी
px के आपके px जो पद है वो px पद यहां से लेते हैं, देखो ये क्या है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये पहला पद तो ऐसे कैसे लिख दिया क्रम से। दूसरा बहुपद है qx, qx के पदों को लिखना है, qx के पद क्या ये है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वन और x प्लस वन, क्या यहाँ दोनों पदों में से कोई पद इसमें से मिल रहा है, मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है x प्लस वन। तो अब पहले आप x प्लस वन को लिखें x प्लस वन के नीचे यहाँ से, फिर दूसरा पद एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या यह मिल रहा है, नहीं मिल रहा, जगह छोड़ दो, इसको अलग लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख दिया मैंने क्यू एक्स को। अब लिखते हैं हम आर एक्स को, तो यहां आएगा आर एक्स, आर एक्स क्या है, आर एक्स है आपके पास एक ही पद है और ये पद इन तीनों में से किसी से कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको पीछे लिखता हूं सबसे, इसको ये तीनों ही जगह छोड़कर कॉमन नहीं है इसलिए पीछे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये लिख दिया मैंने तीनों को। अब हमें क्या लिखना है, इनका एलसीएम लिखना है, एलसीएम तीनों का एलसीएम आएगा, कॉमन पद जो भी आ रहा है वो वन टाइम आएगा, तो देखो यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, ये कॉमन ये है आ रहा है एक्स माइनस एक्स प्लस, इन दो में से कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस वन ही आएगा, और ये कॉमन नहीं आ रहा तो ये भी आएगा एक्स माइनस वन, ये कॉमन नहीं आ रहा तो ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी कॉमन नहीं आ रहा था ये भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये सब के सब गुणा के रूप में एक साथ लिखे। अब यहाँ देखिए आप इस समान पद कुछ पद आ रहे हैं, इनको अपन चाहे तो गुणा कर सकते हैं, सरल पद है इसलिए गुणा कर सकते हैं, तो देखो मैं गुणा करता हूँ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये देखो हमने यहाँ किया था कहाँ पर, ये गुणनखंड किया है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इन दोनों को गुणा करेंगे आप तो वापस ये पद आएंगे फिर ये वाला पद आएगा, समझ आ रहा है आपको, इस गुणनखंड का उल्टा, इसका गुणनखंड करने पर ये वाला पद आते हैं तो इन दोनों की गुणा करने पर ये वाला पद आएगा, तो यहाँ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो इसका विलोम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड करते हैं तब ये आता है और इनका गुणा करते हैं तो ये आता है, इंटू इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको भी लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, फिर गुणा किया मैंने यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इनको व्यवस्थित कर दिया। अब देखो यहाँ दो पद आ रहे हैं आपके पास, कौन कौन से दो पद आ रहे हैं, एक पद तो ये आ रहा है और एक पद ये आ रहा है, ये दोनों पद में देखो ये वाला एक्स स्क्वायर वन वन समान है, निशान अलग अलग है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो ये वाला सूत्र लगेगा या एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, तो इनका उल्टा गुणा होगा और गुणा होने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा यह आएगा एलसीएम इज इक्वल टू, इनका गुणा करेंगे ठीक इसी प्रकार, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए कौन है एक्स का स्क्वायर, बी कौन है वन, ये तो इनका गुणा, और बचा हुआ पद ऐसा कैसा आएगा, तो इसको मैं दोनों कोष्टक में बंद करेंगे, बड़े कोष्टक में गुणा हो रहा है इसलिए अलग से, और बचा हुआ पद में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर फोर, स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा ना तो फोर माइनस वन का स्क्वायर वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये आसान गुणा थे इसलिए गुणा कर लिए, और यही इसका क्या है, इस दिए गए प्रश्न का आंसर है, गुणनखंड है एलसीएम है, आपको समझ में आया, बहुत आसान है, जिसके गुणनखंड होते हैं उसके कर लिए, जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे उसके नहीं किए, तीनों को साथ में लिख दिया, कॉमन पद को ले लिया, बचे हुए शेष पदों को ले लिया, जो गुणा हो रहे थे जी वो गुणा कर दिया, गुणा हो रहे थे गुणा कर दिए, बाकी ऐसे कैसे, यही इस प्रश्न का क्या एलसीएम है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न बचा आपके क्वेश्चन नंबर पाँच, इसको भी हम हल कर लेते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ, क्या देखिए आप इस पहले बहुपद को नाम देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू सिक्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहला बहुपद मैंने लिखा, अब पहले बहुपद में हम क्या गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हमें गुणनखंड करने का प्रयास करना है बाहर के पूर्णांक 18 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप सीधे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप रफ में भी 18 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, 18 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, तो गुणनखंड क्या है उसके 2 × 3^2। मैं लिख देता हूँ 18 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 × 3^2। अब हमें इसके भी गुणनखंड करने हैं, इसके भी गुणनखंड करने हैं, इसलिए हम पहले सोचेंगे यहाँ पर क्या इस अंदर वाले कोष्टक में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन के लिए हम देखें, यहाँ देखो एक्स का पद कॉमन आ रहा है, घात कॉमन कौन सी आती है, छोटी घात कॉमन आती है, तो यह कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा कोष्टक के अंदर, यहाँ से बचेगा 6x² + x-1। पहले बताया मैंने आपको कॉमन लेते हैं तो घाते घटती है, कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना, दोनों शब्द एक ही है, तो घाते घटेगी, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 4, तो यहाँ हो गया केवल गुणांक बचा इसका 1। अब अंदर वाले पद के गुणनखंड करने, 6 और 1 का गुणा किया 6, यह है 1। क्या ऐसे कोई दो पद है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो आए 1 और गुणा करने पर आए 6? हाँ है, कौन है, 3 और 2, इनको हम अगर घटाएं तो 1 आता है, गुणा करने पर 6 आता है, तो यहाँ मैं 1 के स्थान पर क्या लिखूंगा, 3 − 2। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 × 3^2 × x². अब यहाँ अंदर गुणनखंड करना है तो 6x² अपनी जगह पर प्लस 1 के स्थान पर 3 − 2 × x − 1 बराबर 2 × 3^2 × x², फिर 6x² उसको खोलेंगे प्लस 3x − 2x − 1, दोनों में से कॉमन लो तो क्या आएगा 2 × 3^2 × x², दोनों में से कॉमन आएगा 6 और 3 में से कॉमन आएगा 3x, अंदर बचा है 2, 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 पीछे बचा है 2x + 1, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा तो -1 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2x + 1। 2 × 3^2 × x². अब यहाँ अंदर कोष्टक के अंदर कॉमन लेने की बात करें तो दोनों में से कॉमन आता है 2x + 1, क्या कॉमन आया 2x + 1, और यहाँ बच गया आपके पास 3x और यहाँ बच गया -1। तो इस प्रकार पहले बहुपद px के गुणनखंड हुए। अब हम गुणनखंड करेंगे दूसरा बहुपद जो है, यहाँ पर कौन सा दूसरा बहुपद है, दूसरा बहुपद आपके पास जो दे रखा है उसको नाम देंगे हम qx। तो यहाँ लेता हूँ दूसरा बहुपद qx, इसके गुणनखंड करने हैं तो qx लिखता हूँ मैं यहाँ पर 45 × 2 × x^6 + 3 × x^5 + x^4, कहाँ से लिखा मैंने, ये यहाँ से लिखा है। अब सबसे पहले हमें 45 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वो आप रफ में कर लें पहले। तो 45 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 का गया भाग 15 बार, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 5 का भाग 5 में गया 1 बार, तो यह आ गया 3^2 × 5 बराबर गुणनखंड हो गए 3^2 × 5, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 2 × x^6 + 3 × x^5 + x^4। अब देखो अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3^2 × 5, अंदर से कॉमन आ रहा है 4, पीछे क्या बचेगा 2x² + 3x + 1, कॉमन लेते हैं तो घातें घटती है, तो कॉमन लिया हमने, क्या कॉमन लिया 4, तो 4 घात सबसे कम हो जाएगी बराबर।
बराबर में क्या आएगा, अब 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब हमें यहाँ अंदर गुणनखंड करने हैं, पहला पद है 2x स्क्वायर प्लस 3 के दो टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर कितना है 2 इंटू 1 2, गुणा करने पर तवे 2 और जोड़ दें या घटाने पर आवे सॉरी जोड़ दें या घटाने पर आए 3। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आपको 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, गुणा करने पर 2 आएगा। तो 3 के स्थान पर मैंने किया 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 1। और अंदर कोष्ट खोलेंगे तो 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, कोष्ट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस, गुणा कर रहे हैं कोष्ट खोल रहे हैं, 2x प्लस एक्स प्लस 1, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, दोनों में से कॉमन लिया मैंने 2x कॉमन, क्या कॉमन आया 2x स्क्वायर और 2x में से 2x कॉमन, पीछे बच गया x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, देन 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 1, बचा क्या है 2x प्लस 1। इस प्रकार दूसरे बहुपद के भी गुणनखंड हो गए। अब हमें इन दोनों बहुपदों को एक साथ लिखकर एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप, इन दोनों को एक साथ लिखने की यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं कुछ भाग साफ करूँगा। तो मैं यहाँ से ये ऊपर वाला भाग साफ कर देता हूँ, क्या भाग आ रहा है यहाँ पर, ये पहला बहुपद जो तो था पी एक्स वाला भाग, इसको मैं साफ कर देता हूँ। और अब इनके गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड को साथ लिखते हैं। दोनों गुणनखंड क्या है, पी एक्स के गुणनखंड हमने ज्ञात किए, ये वाले गुणनखंड रहे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, और कोष्टक के अंदर आएगा यहाँ पर क्या क्या गुणनखंड है, गुणनखंड है इसका 2x प्लस 1, और दूसरा गुणनखंड है यहाँ पर इसका 3x माइनस 1। इसका ये नेक्स्ट भाग ये भी साफ करते हैं कुछ, जिससे कि अगले पद को लिखने में क्या रहे आसान रहे। लिख दिया देखो 2 आ गया, 3 स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर आ गया, और 2x प्लस 1 आ गया, 3x माइनस 1 आ गया, इसलिए हम इसको भी साफ कर देते हैं। दूसरा बहुपद है यहाँ qx, तो qx को भी लिखते हैं इसके नीचे, qx के गुणनखंड qx इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 आएगा 3 के नीचे, 3 की पावर 2 इंटू 5, 5 आ रहा क्या कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इंटू 5 में यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, इंटू एक्स स्क्वायर को x के नीचे x की पावर 4, x की पद के नीचे इंटू, क्या कोई गुणनखंड कॉमन आ रहा है, आ रहा है, देखो ये 2x प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है, 2x प्लस 1 यहाँ भी आ रहा, तो 2x प्लस 1 को इसके नीचे लिख देते हैं और ये x प्लस 1 को पीछे लिख देते हैं, सबसे पीछे। देखो आप qx के सारे पद आए क्या, 3 की घात 2 ये आ गई, 5 ये आ गया, x की पावर 4 यहाँ लिख दिया, 2x प्लस 1 यहाँ लिखा और x प्लस 1 यहाँ लिखा, इसके भी सारे पद आ गए। अब हम यहाँ क्या ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे हम यहाँ से इसके एलसीएम ढूंढेंगे, एलसीएम लिखने में यहाँ पर, तो देखो ये लिखते हैं इनका एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखते हैं हम, कॉमन की बड़ी घात, कॉमन कौन आ रहा देखें हम यहाँ पर, तो 3 की घात 2 कॉमन आ रही है, 4 एक्स की पद भी कॉमन आ रहे हैं, 2x प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, ये पद कॉमन आ रहे हैं। अब कॉमन की बड़ी घात लेनी है, एलसीएम में लेते हैं कॉमन की बड़ी घात और एचसीएफ में लेते हैं कॉमन की छोटी घात, तो यहाँ लेंगे हम कॉमन की बड़ी घात, तो 3 स्क्वायर यहाँ देखो आप क्या आएगा, 3 स्क्वायर कॉमन, छोटी घात बड़ी घात दोनों बराबर, तो 3 स्क्वायर कॉमन आएगा इंटू 2x का पद कॉमन बड़ी घात x की पावर 4, तो एलसीएम है इसका 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ x की पावर 4 कॉमन आ गया इंटू, ये हो गया इसका कॉमन वाला पद 2x प्लस 1, तो कॉमन कॉमन वाले पद सारे लिख दिए। अब बचे हुए पद भी आएंगे, बचा हुआ पद यहाँ क्या है 2 इंटू 2, और बचा हुआ पद देखो ये रहा 5 इंटू 5,
बचा पद ये रहा इधर 3x माइनस वन, और लास्ट पद बचा है x प्लस वन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अंकों को संख्याओं को सबसे पहले लिख दिया, बचे हुए पदों को लिखो x की पावर 4, यहाँ से दूसरा पद 2x प्लस वन, 3x माइनस वन एंड x प्लस वन। तो ये क्या हो जाए, गुणा करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90, x की पावर 4, 2x प्लस वन, 3x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यही इस प्रश्न का क्या एलसीएम है, बहुत आसान है, फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आए तो इसको वीडियो को बार बार देखकर समझने का प्रयास करें, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया।